नमस्कार। नकारा, निकम्मा, कामचोर, दूसरों को लड़ाने वाला सचिन पायलट जब कांग्रेस में वापसी करता है तो राजस्थान कांग्रेसियों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता आतिशबाजी करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटते हैं, ये सोचकर कि एक महीने की अग्नि परीक्षा के बाद गहलोत सरकार बच गई। अशोक गहलोत भी विधानसभा में दवनी मत के जरिए बहुमत साबित कर देते हैं, लेकिन इन खुशियों के बावजूद भी अशोक गहलोत और गहलोत कैंप के विधायकों के चेहरे पर खामोशी छाई हुई है। दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे के तीन विधायकों द्वारा मंत्री पद खो देने के बाद और सचिन पायलट द्वारा पीसीसी चीफ का पद खो देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही है। उधर दूसरी तरफ गहलोत कैंप में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। वो सभी विधायक ये सोच सोच करके कहीं ना कहीं खामोश हैं कि अब सचिन पायलट वापिस आए तो कैसे आए, इतने सस्ते में ही सचिन पायलट कैसे घर वापसी कर गए, और अब वापसी कर गए तो क्या सचिन पायलट अपनी जो सेना है वो दोबारा तैयार करेंगे, क्या अशोक गहलोत को सरकार को गिराने के लिए सचिन पायलट दोबारा कोई नया प्लान बनाएंगे। इसको लेकर के राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी पर जो गहलोत सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि जो षड्यंत्र रचा गया या इसके अलावा खरीद फरोख्त का जो मामला सामने आया, इन सब मुद्दों को एक तरफ हटा दिया गया है। अब राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर सचिन पायलट ने राजस्थान की गहलोत सरकार में बगावत की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बीच में फिलहाल एक बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के अभी गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गांधी परिवार का आपसी घमासान अब सड़कों पर आ चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठना चाहती है और इसी को लेकर के वो राहुल गांधी की टीम को कमजोर भी करना चाहती है। इसी कारण प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने गहलोत सरकार से बगावत की, और ये प्रियंका गांधी वाड्रा की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक झलक थी कि अब निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम अशोक गहलोत की सरकार गिरा भी सकती है। यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक कड़ा संदेश देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर ही सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस से बगावत की, और प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर ही सचिन पायलट ने इतने सस्ते में कांग्रेस में वापसी भी कर ली, गहलोत सरकार को भी बचा लिया, तीन विधायकों के मंत्री पद भी उनके हाथों से खिसक गए। उसके बावजूद भी सचिन पायलट खेमा काफी खुश नजर आ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद और गहलोत सरकार बच जाने के बावजूद भी गहलोत कैंप में मातम छाया हुआ है। अब कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी तक सीमित रखने के लिए उन्हें यूपी के लखनऊ शिफ्ट कर दिया है, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठना चाहती है। उनकी महत्वाकांक्षा आला और इंडिया कांग्रेस की राजनीति करने की है, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए प्रियंका को यूपी शिफ्ट कर दिया है, और इसी को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा अब राहुल गांधी की टीम को कमजोर करना चाहती है और एक कड़ा संदेश भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना चाहती है। और इसी संदेश को देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को अपने इशारों पर नचाया और गहलोत सरकार से बगावत कर दी। अब फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पायलट और गहलोत खेमा फिर से आमने सामने है। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट खेमे में तीन मंत्री पद थे, जबकि अब 6 से 8 मंत्री पद लेने की मंशा सचिन पायलट खेमे की है, और इसी को लेकर के अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं। सचिन पायलट की वापसी पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि 6 से 8 मंत्री पद अब गहलोत खेमे की तरफ से सचिन पायलट को देने ही पड़ेंगे। फिलहाल 25 मंत्री पद थे, जिनमें से 3 को सस्पेंड कर दिया गया, और ऐसे में 22 मंत्री पद बचे। 22 में से एक गोविंद डोटासरा, जो पीसीसी चीफ भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, वो भी अपना पद छोड़ेंगे। इसके अलावा एक भंवरलाल, जो विधायक हैं कांग्रेस के, फिलहाल कोमा में हैं, वो पद भी खाली होने वाला है। ऐसे में 10 मंत्री पद हैं वो खाली हो चुके हैं, और 5 ऐसे मंत्रिमंडल में जो नेता हैं, मंत्री हैं, जिनमें बड़ा फेरबदल अब गहलोत करने जा रहे
रही हैं। ऐसे में टोटल 15 मंत्री पद खाली होने वाले हैं और इन 15 मंत्री पद को लेकर के अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप आमने सामने हैं। एक तरफ गहलोत कैंप में मातम छाया हुआ है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट कैंप में खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही है। इतना सब कुछ होने में और ये पिछला जो एक महीने का जो सियासी ड्रामा चला इसमें सचिन पायलट ने बहुत कुछ खोया, लेकिन इतने सस्ते में ही कांग्रेस में वापसी कर ली और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अब बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की टीम को कमजोर करने और राहुल गांधी सोनिया गांधी को एक कड़ा संदेश देने के लिए इस तरह का काम किया था और कहीं ना कहीं सचिन पायलट से बगावत करवाई थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपनी पावर दिखाई है, एक झलक दिखाई है और अब ये संदेश भी कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि प्रियंका गांधी की टीम भी ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस में एक मजबूत चेहरे के रूप में उभर सकती है। और यही कारण है कि अब प्रियंका गांधी खेमे की तरफ से राष्ट्रीय गद्दी पर बैठाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आगे किया जा रहा है, लेकिन सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को राष्ट्रीय गद्दी पर बैठाना चाहती है। लेकिन अब गांधी परिवार का आपसी घमासान कहीं ना कहीं अब सरेआम देखने को मिल रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो रहा सियासी ड्रामा फिलहाल रुका नहीं है, सिर्फ एक बार के लिए थम गया है, एक तरह से ब्रेक हुआ है और ये मंत्रिमंडल विस्तार में निश्चित तौर पर देखा भी जाएगा। अगले महीने सितंबर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बताया जा रहा है कि कई अधिकारियों के तबादले के साथ साथ मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और इस मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान एक बार फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने होंगे। फिलहाल सचिन पायलट की पहली मांग कांग्रेस आलाकमान ने मंजूर कर ली है, 3 सदस्यों की कमेटी बना ली गई है जो अशोक गहलोत के कामकाजों पर ध्यान रखेगी, अशोक गहलोत सरकार की पूरी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को भेजेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई पड़ रहा है और सचिन पायलट के पलड़े के भारी होने का मुख्य कारण है प्रियंका गांधी वाड्रा का राहुल गांधी के साथ मनमुटाव होना। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अब अपनी ताकत की झलक राहुल गांधी को दिखा चुकी है। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के अब अंतिम फैसला होने वाला है, जिसको लेकर के अब सोनिया गांधी कोई बड़ा फैसला ले सकती है और इस फैसले के बाद निश्चित है कि राजस्थान कांग्रेस में भी घमासान होगा। राजस्थान कांग्रेस में तो वैसे भी मंत्रिमंडल को लेकर के काफी ज्यादा मनमुटाव हो चुका है। सचिन पायलट को विधानसभा में पीछे की सीट पर बैठाना ये भी कहीं ना कहीं मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ रहे थे सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक वो भी कहीं ना कहीं अब दोबारा शुरू होगी, क्योंकि मान सम्मान के चलते सचिन पायलट को विधानसभा की पीछे वाली सीट पर बैठाना ये कहां से सही है। ऐसे में कई ऐसे विधायक भी हैं सचिन पायलट खेमे के जो फिलहाल जनता में जा रहे हैं तो उनका दर्द सामने झलक भी रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने कोई ना कोई नया प्लान बना करके ही इतने सस्ते में कांग्रेस में वापसी की है और इस वापसी में कन्फर्म है कि अब की बार अशोक गहलोत की सरकार गिरना तय है। सचिन पायलट 30 से 35 विधायकों की सेना तैयार करके फिर से बगावत करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए फिलहाल गहलोत कैंप को सचिन पायलट पर कतई भरोसा नहीं है और यही कारण है कि सचिन पायलट की वापसी से गहलोत कैंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। वैसे भी अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अब सीएम गद्दी सचिन पायलट के हाथों में भी जा सकती है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस से बर्खास्त करना चाहते हैं। यही कारण था कि सचिन पायलट को लेकर के अशोक गहलोत ने इतने नकारा निकम्मे जैसे शब्दों का प्रयोग किया। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार पर किस तरह का संशय होगा, किस तरह का मनमुटाव दोबारा देखने को मिलेगा, इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि गहलोत क्या 6 से 8 मंत्री जो सचिन पायलट को दे देंगे, उनके खेमे को दे देंगे, क्या मान सम्मान की लड़ाई यहां खत्म हो जाएगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।